अगर आपको भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है तो 30 नवंबर तक आप अपना काम जरूर करें, वो है कि अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। अगर आप इस काम को पूरा नहीं करेंगे तो अगले महीने से शायद आपकी पेंशन आपको ना मिल पाए। ध्यान देने वाली बात ये है कि साल में एक बार हर पेंशन पाने वाले व्यक्ति को अपने जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है। नियमों के अनुसार सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि जो लोग 80 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, उन लोगों को जीवन प्रमाण पत्र देना होगा 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच। वहीं 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक ही अपना ये काम खत्म कर लेना है और इस प्रमाण पत्र को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जमा कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सबसे पहले तरीका है डोर स्टेप बैंकिंग, जिसके जरिए आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप टोल फ्री नंबर पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। इसके बाद एक बैंक का अधिकारी आपके घर आएगा और आपके जीवित होने का प्रमाण पत्र ले जाएगा। ध्यान रखें कि कई बैंक इस सुविधा को सीनियर सिटीजन को मुफ्त में देते हैं, लेकिन कुछ बैंक इसके लिए चार्ज भी करते हैं। दूसरी तरफ पेंशनर घर बैठे केवल ऑनलाइन भी जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दे सकता है। इसके लिए उन्हें केवल UIDAI के पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। वे बायोमेट्रिक को वेरीफाई करके आसानी से इस पोर्टल पर अपने जीवित होने का प्रूफ कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB अपने कस्टमर्स को पोस्टमैन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन करने की सुविधा दे रहा है। इस फैसिलिटी को साल 2020 में शुरू किया गया था। ये भी एक डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा है जिसमें पोस्टमैन पेंशनर के घर आता है और उसके जीवन प्रमाण पत्र ले के जमा कर देता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उमंग ऐप के जरिए भी घर बैठे अपना प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके लिए आपको 12 अंकों के आधार नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी DOPPW फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आधार फेस RD एप्लीकेशन पे जाना होगा। इसके बाद आप इस ऐप की मदद से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। और आखिरी तरीका है पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी यानी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खुद पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। बैंक में जाकर आप एक फॉर्म भरें और फॉर्म भरकर जीवित होने का प्रूफ दें। अगर आप बैंक नहीं जा पा रहे तो जितने भी हमने आपको तरीके बताए हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर डोर स्टेप बैंकिंग, आप इसमें से किसी भी जरिए 30 नवंबर तक हर हालत में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है।